जय हिंद, जय भारत। आज के दिन बात करेंगे क्लास टेंथ की पोएम अमांडा के बारे में। बेटा 27 तारीख को हमारा इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है, यानी आज से 7 दिन दूर है हमारा बोर्ड का पेपर, सिर्फ एक हफ्ता दूर है। तो मैंने क्या करा है कि मैंने जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी टर्म टू इंग्लिश की, सारी की सारी वीडियो बना के मैं डालूंगा, ताकि आपकी कुछ मदद हो पाए और चीज़ों को हम बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। उसी सीरीज में पहली पोएम से स्टार्ट करते अमांडा। बेटा देखो, अमांडा बेसिकली बच्चे की कहानी है, और बच्चे मन के सच्चे। बच्चों में क्या होता है, देखो एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को लगता है कि उसको स्टार्ट करा जा रहा है, उसकी लाइफ को कंट्रोल करा जा रहा है। एग्जांपल, आपका मन है पबजी खेलने का, तो घर वाले कहते हैं पबजी नहीं खेलोगे। आपका मन है जिम जाने का, घर वाले कहते हैं ये कोई इमरजेंसी में जिम जाने के नहीं है। आपका मन है स्कूटी, घर वाले कहते हैं जब बड़ा हो जाएगा तब स्कूटी चलाइए। आपके घर वाले डिसाइड करते हैं आपने क्या करना है क्या नहीं करना, और आपको ऐसा लगता है कि घर वाले हर छोटी मोटी बात पे, दोस्त घर वाले से पूछ के बनाने, जो घर वाले ने बोला जो दोस्त सस्ता है उसके साथ रहो, जो घर वाले ने बोला बेकार है उसके साथ मत रहो, कपड़े ऐसे पहनने वैसे नहीं पहनने, इससे ज़्यादा देर बात नहीं करनी, घर से इतनी देर बाहर निकलना है, स्कूल टाइम पे जाना है, टेस्ट में कम नंबर। तो हर समय तुम्हें ऐसा लगता है शेल में हो, और कहीं ना कहीं तुम एक अनिकली दुनिया में हो, और तुम एक इंट्रोवर्ट बनते जाते हो। जैसे कई बार पेरेंट्स मेरे से कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत इंट्रोवर्ट है, हमें कोई बात नहीं बताता। इसका रीज़न है कि बेटा, जो ऐसे पेरेंट्स कई बार हम लोगों से भी गलती होती है, हम लोग क्या अपने बच्चे की बात सुनते नहीं। बच्चे ने कोई इधर बात बताना स्टार्ट किया, हम कहते हैं फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दे, इधर पढ़ाई की उम्र है। हर पेरेंट्स को अपने बच्चों की बातें सुननी चाहिए कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। और ऐसी एक बच्ची है अमांडा, जो अपने घर वालों की बातें सुन सुन के एक पैरेलल दुनिया बना ली है। घर वालों से कोई बात शेयर नहीं करती वो, उसने एक पैरेलल दुनिया बना ली अपने दिमाग के अंदर, और वहाँ की दुनिया में क्या चल रहा है जानेंगे हम इस वीडियो में। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप द स्लाउचिंग स्टेप से, नाखून मत खाओ अमांडा, शोल्डर हंच मत करो। देखो हंच बेटा कुछ इस तरह से, ऐसे पैर के स्ट्रेट ऐसे रहो। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड स्ट्रेट, स्लाउचिंग मतलब सर झुका के बेटा बॉडी को, स्ट्रेट बैठो, होता है ना सोफे पे बैठे या पर जिसी मतलब कुर्सी पे बैठे, स्ट्रेट बैठो। तो उसकी माँ से कह दी, देर इज अ लैंग्वेज एमरल्सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी एमराल्ड मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। लैंग्वेज होता है साइलेंट, एमराल्ड बेटा ग्रीन प्रीशियस स्टोन था, यहाँ पे ग्रीन वर्ड का सिंबल है, ऐसा खाली स्टोन की बात नहीं, ग्रीन सी जहाँ पे अकेली मैं हूँ। ये क्या करे, देखो ये लाइन तो उसकी माँ जो पेरेंट्स ने बोली है, चाहे मदर है चाहे फादर, इसमें मेंशन नहीं है, ये लाइन उसके पेरेंट्स ने बोली है और ये अपने दिमाग में सोच रही है। होता है ना घर वाले कुछ बोलते हैं, दिमाग में पहले कुछ ना कुछ सोचते रहते, रात हो जाती दिन हो जाता, सोचते रहते। देर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट मी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। कहते मुझे लगता है कि एक बड़ा सेक्सी होता है एमराल्ड, ग्रीन सी होता जहाँ पे खाली अकेले में रहती। आपका भी तो ऐसे ही मन होता है कि घर छोड़ के भग जाए, घर वालों की बातें ना सुननी पड़े, पढ़ना ना पड़े, तो उसका भी ये याद है। अब मरमेड क्या होती है बेटा, वो जो लड़की सी बनी होती है पीछे, वो मछली की टाइप की होती है, मछली और उसका मिक्सचर बेटा ही मैंने। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, ड्रिफ्टिंग मतलब पानी में ऐसे हिचकोले खाते हुए आराम से जा रही है बेटा, धीरे धीरे करके। ये फिर नेक्स्ट स्टेंजा में देखो, अगेन उसकी मदर का दूसरी बात की कहती है, पेरेंट्स डिड यू फिनिश योर, क्या तुमने काम पूरा करा अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ करा। रूम साफ करने के लिए देखो हर बच्चे को गाली पड़ती है, मुझे भी आज तक गाली पड़ती है मेरे भाई, तो उसमें तुम्हारी सहानुभूति मेरे साथ है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन, मैंने तुम्हें कहा था तुम्हें शूज़ भी साफ करने। फिर वो देखो दिमाग में अगेन दुनिया, इतना उसने कहा अब वो दिमाग में सोच लग गई, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट अकेले रोड पे चल रही हूँ, आई पैटर्न सॉफ्टवेयर में हस्ट बियर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अच्छा आजकल एक नया ट्रेंड होता है कि हमें सिर्फ शांति पसंद है, कोई चीखे ना कोई चिल्लाए ना, पढ़ भी लेंगे सब कुछ करेंगे, घर वाले चिक चिक ना करें, होता है ना बच्चों का सेंटेंस कि यार घर वाले बहुत चिक चिक करते हैं, परेशान हैं हम लोग, तो साइलेंस इज गोल्डन, शांति हो जाए और फ्रीडम आज़ादी, आप जहाँ जा सके, जिससे बात कर सके, पढ़े ना पढ़े आपका मन हो, पबजी खेलें, इंस्टाग्राम चलाएं, फेसबुक चलाएं, सोशल, आपका अपना मन से चीज़ें करें। फिर नेक्स्ट एंजाम दोबारा पेरेंट्स कहें, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें पता है ना, रिमेंबर यू अपनी मुहासे हो जाते हैं, उस बच्ची को बार 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 टोका जा रहा है, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। और कई बार घर वाले होते हैं ना कि मेरी तरफ देखे, मुझसे बात करो, तुम नज़र क्यों झुका रखे, मैं इससे देखो, और आप देखो तो घर वाले कहते हैं आँखें दिखा रहा है, तो वही इसका हाल है। आई एम रपुंजल, फिर मैं दोबारा सोचती मैं एक रपुंजल हूँ। अब रपुंजल क्या बच्चे, डिज्नी की मूवीज में है ना, डिज्नी के सीरीज में क्या होता है, रपुंजल एक बड़े हेयर वाली प्रिंसेस है,
बहुत बड़े बड़े गोल्डन एयर है उसके, उसको क्या करता है एक टावर में बंद कर दिया जाता है, अकेले टावर, कोई इससे मिल नहीं सकता कोई नहीं। बट वो क्या करती है, उसके बहुत बड़े बाल हैं, तो जैसे मान लो कोई मिलने आता है तो ऐसे बाल ऐसे लटका देती है, मेरे तो बड़े बाल हैं नहीं, वो ऐसे बाल लटका देती है। अब वो कोई ऊपर आएगा तो उसके बालों को छोड़ के ऊपर आ जाएगा, और जब उसको नीचे था उन्हीं बालों के सारे वो नीचे चली आती। तो उसने बताया, आई एम रपुंजल, आई एम नॉट ए लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, जो टावर में लाइफ है मेरी शांत एंड रेयर बहुत अच्छी है। आई विल सर्टेन नेवर लेट डाउन, मैं अपने बाल नीचे नहीं करूँगी ताकि कोई मेरे से मिलने ना पाए। मतलब बेसिकली वो अपने घर वालों से दूरी बनाने चाह रही है, अपनी फीलिंग बता रही है, अपने इमोशंस को बता रही है, एक्सप्रेस कर रही है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, फिर अगेन पेरेंट्स की रहने, सल्किंग बंद कर दो, सल्किंग मतलब साइलेंट, चुपचाप मत रहो, मेरी बात का रिप्लाई दो। अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, हमेशा अमांडा तुम ऐसे ही करते हो। हम घर वाले कहते हैं यार तू तो हमेशा ऐसे ही करता है, तेरा तो ऐसा कलेश है तेरा हमेशा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेगलेक्टेड यू अमांडा, कि ऐसे मत रहो। घर वाले कहते हैं ना भैया मेहमान आ रहे हैं इनके सामने ऐसा मुंह बनाना कि मैं तुम्हें डांटा वाटा है, ऐसे रहो। तो वही इसका हाल है, आई नेगलेक्टेड यू अमांडा इसलिए मैं मोटी करो। तो बेसिकली छोटी बच्ची की फीलिंग है, एक्चुअली छोटी बच्ची की फीलिंग नहीं है, कि हर टीनेजर चाइल्ड की है लाइफ लॉन्ग फीलिंग है, कि उनको हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उनके घर वाले उनको डोमिनेट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। बट एक्चुअली देखो घर वाले, थोड़ा तरीका मैं मानता हूँ घर वालों का अलग होता है, जो आपको पसंद नहीं आता, पर एक लॉन्गर वर्जन ऑफ लाइफ में जब आप सीखेंगे, जब आप बड़े होंगे, जब आप मैच्योर होंगे, तो आप सोचेंगे तरीका बेटा सही था, वो समझाने के लिए बोला जाता है। पूरी पोएम में पूरी अमांडा की फीलिंग एक्सप्रेस करी गई है, और ये छोटी सी पोएम है जो मांडा की फीलिंग को एक्सप्रेस करती है।